जो कंपनी ईवीएम मशीन बनाती है उसके दो डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। पुलिस कंप्रोमाइज है, जुडिशरी किसी हद तक कंप्रोमाइज है, पूरी मशीनरी कंप्रोमाइज है। तो ईवीएम की क्या हैसियत है? ईवीएम तो एक मशीन है। ईवीएम एक वो मशीन जिसमें चिप यूज होती है, वो कभी भी मैनेज हो सकती है, कभी भी उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। पुलिस कंप्रोमाइज है, जुडिशरी किसी हद तक कंप्रोमाइज है, पूरी मशीनरी कंप्रोमाइज है। तो ईवीएम की क्या हैसियत है? ईवीएम तो एक मशीन है। यकीनन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज किया है, पूरा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स फुल कॉम्प्रोमाइज है, पूरी दुनिया को पता है। आप और मैं तो रोजाना देखते हैं कि कैसा खेल हो रहा है। अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर तक सेफ नहीं है। आप एमएलए एमपी को तो छोड़िए, एमपी तो बिना बात के सस्पेंड कर दिए जाते हैं, एमपी बिना बात के निकाल दिए जाते हैं। छोटी सी बात कहने पर उनको आचार संहिता का या दुराचार का महुआ मुद्रा के साथ जो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो इनका बीजेपी का एमपी है विदुड़ी, उससे पूछताछ भी नहीं हुई। सवाल ये है, बीजेपी जिस तरह से एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, उसके साथ साथ वो तमाम हथकंडे अपना रही है, फेक न्यूज हो, ईवीएम हो। इसलिए ईवीएम के खिलाफ आम आवाम में गुस्सा है, लोग रैली की शक्ल में बाहर आ रहे हैं, कह रहे हैं ईवीएम को बंद करिए वरना हम बीजेपी को नहीं हरा सकते। बीजेपी हारेगी तब जब ईवीएम हटेगी। तो ये एक मुद्दा उठ रहा है कि ईवीएम एक वो मशीन जिसमें चिप यूज होती है, वो कभी भी मैनेज हो सकती है, कभी भी उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप चंडीगढ़ का हाल देखिए, इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट थे, बीजेपी के पास, एनडीए के पास 16 वोट थे। बीजेपी के नेता ने 20 कॉरपोरेटर्स को मैं 8 को उन्होंने इनवैलिड करार दिया। क्या ऐसा कभी सुना है आपने? 20 वोट में 8 वोट इनवैलिड हो जाए, वो भी इतने समझदार लोगों के वोट। खुलेआम जो वीडियो जिस तरह से वायरल हुई है, किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेईमानी कर रहा है और बेशर्मी के साथ उस बेईमानी को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। तो जो बीजेपी की जो अप्रोच अगर इतनी बेईमानी को सपोर्ट करने की है, तो आप क्या समझते हैं ये जो 3 स्टेट के जो जो रिजल्ट आए, इसमें ईवीएम का रोल नहीं है? मैं अब समझता हूं इसमें ईवीएम का जरूर रोल है। ईवीएम को सीरियस लेना चाहिए सरकार को। ईवीएम को मैं अगर बिना ईवीएम के चुनाव करा दिए जाए तो दूध का दूध पानी का नहीं, पानी हो इलेक्शन जाएगा। कमीशन तो ये कहता है कि ईवीएम सेफ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आपने कभी हिंदुस्तान की तारीख में इतना कंप्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन देखा जितना आज है? कभी आपने सरकार के खिलाफ एक भी नोटिस इशू होते हुए देखा है? हमेशा अपोजिशन के खिलाफ नोटिस इशू होते हैं, उन्हीं की बात को संज्ञान में लिया जाता है। तो ये जो इस वक्त का मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, और देखिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, यहां तक कि जुडिशरी, किस तरह के फैसले आ रहे हैं आप? अभी देखिए ज्ञानवापी का जो फैसला आया है, इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि एक तरह की सोच वाले लोग, एक तरह की मानसिकता वाले लोग, या मैं साफ साफ कहूं आरएसएस और भगवा सोच के लोग इस तरह से हावी हो गए हैं कि वो ना तो उनको ये नजर आ रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, ना उन्हें मुल्क का फायदा नजर आ रहा है, ना वो ये समझ रहे हैं कि हमारे देश में जब लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो देश तरक्की कैसे करेगा। अभी एक बहुत जबरदस्त वाला एक इंफॉर्मेशन आई थी कि जो कंपनी ईवीएम मशीन बनाती है उसके दो डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। अब आप मुझे बताइए, बीजेपी के लीडर जिस कंपनी में हो, वो कंपनी ईवीएम मशीन बना रही हो, तो आप इसमें शक नहीं करेंगे? जब जब बनाने वाली मशीन में ऑफिशियली डायरेक्टर है वो। दूसरी बात, क्या इससे पहले जब ईवीएम इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उससे पहले क्या देश में इलेक्शन नहीं होते थे? और जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं, बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वहां पे बैलेट पेपर से क्यों होता है? क्या वो मशीन नहीं बना सकते? अमेरिका में भी आखिर 35 करोड़ वोटर हैं, क्या उन उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया के पास अमेरिका से? अमेरिका में बैलेट पेपर से क्यों होता है इलेक्शन? जब अमेरिका, चूंकि वो उनके पास सबसे पुरानी डेमोक्रेसी वही है, 200 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, जब वो इतनी साल पुरानी और हाईटेक और वेल रिसोर्स्ड कंट्री जो किसी भी टेक्नोलॉजी को हायर कर सकता है, वो बैलेट पेपर से करा रहा है आपके चुनाव। और आप एक बिल्कुल डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी कहीं भी आपकी गिनती नहीं होती, आप उस पर अड़े हुए हैं कि नहीं साहब हम ईवीएम से कराएंगे। क्यों नहीं करा लेते एक बार बैलेट पेपर से? पता चल जाएगा भाई, अगर मोदी जी
महान हैं, विश्वगुरु हैं, उनकी इतनी बड़ी पॉपुलरिटी है, तो बैलेट पेपर से भी जीत जाएंगे। वो बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पे जो पंचायत के हुए थे, बीजेपी का क्या हशर हुआ था, कितनी सीटें हारी थी बीजेपी, लेकिन जब ही जैसी ईवीएम से हुए बीजेपी जीत गई। तो ये एक सवाल है, मैं एक बार को मान लेता हूं कि ईवीएम में कोई बेईमानी नहीं हुई, तब भी क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जनता को भरोसे में ले? अगर जनता को शक है ईवीएम पे तो ईवीएम को हटा दे, बैलेट पेपर से कराए चुनाव, और मोदी जी पॉपुलर हैं ही, तो पॉपुलर हैं तो जीत जाएंगे, बैलेट पेपर से भी जीत जाएंगे। अपोजिशन तो नहीं इस पर सवाल उठा रहा, लेकिन कोई उसके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रहा है। अपोजिशन इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि ईवीएम लाई कांग्रेस थी। अब कांग्रेस को क्या पता था कि उसके हथियार से उसी का शिकार होगा, इसलिए आधी कांग्रेस तो उसके खिलाफ बोलती है और आधी कांग्रेस जो खामोश रहती है, ये है सच्चाई। कांग्रेस का शिकार हो रहा है, जाहिर बात है। अभी मेजर अपोजिशन तो कांग्रेस है, जब जिस तरह से बीजेपी हावी है अपोजिशन पे, जिस तरह से जो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है बीजेपी, जिस तरह से केसेस बना बना के मामूली मामूली सी बात पे ईडी और सीबीआई, बताइए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ से उसने एक इल्जाम लगाया, उस पर एंटी करप्शन पहुंच गई उनके घर। तो जो जो अप्रोच है सरकार का, यानी क्रश करने का, लोकतंत्र में जितनी पक्ष की वैल्यू है, यानी सरकार की वैल्यू है, उतनी विपक्ष की भी वैल्यू है। ऐसा नहीं होता दोनों सरकार का हिस्सा होते हैं। अगर आप सरकार में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष को क्रश कर देंगे, आप विपक्ष विहीन देश बना देंगे, तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ? फिर तो तानाशाही आ जाएगी, और तानाशाही है। इसीलिए इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए जनता जो गुस्सा है उसका, वो किसानों की शक्ल में फूट रहा है, बेरोजगारों की शक्ल में फूट रहा है, वो ईवीएम के खिलाफ आई हुई जनता की शक्ल में फूट रहा है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो भीड़ आ रही है, जो अनएक्सपेक्टेड भीड़ आ रही है, ये उसकी शक्ल में फूट रहा है। और इससे भी ज्यादा जो इंडिकेटर्स हैं, अभी हमारा हंगर इंडेक्स में भुखमरी पे हम कहाँ पहुंच गए, 200 कुछ देशों में 193 नंबर पे हैं भुखमरी में। हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम कहाँ चले गए, हमारे लोकतंत्र के डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम कहाँ हैं, दुनिया में सबसे पीछे नंबर पे हम खड़े हुए हैं, और हम बिला वजह अपने जो है खुद ही चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं कि हम तो विश्वगुरु हो गए। सच्ची बात यह है कि हम बहुत नाजुक हालात में हैं, हमारी जीडीपी नीचे जा रही है, हमारे बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, महंगाई की शरह बढ़ रही है, हमारे पास कोई प्लान ऐसा नहीं है कि हमने पड़ोसी देशों से दुश्मनी पाल रखी है।